अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। आज इसकी रेसिपी देखेंगे, बहुत टेस्टी है रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैदराबादी शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। ले लिए आलू, आलू को उसका छिटला निकाल के पीसेस करके, आलू देखो कैसा काट रहे हैं, उसका पीसेस करना है। कट करके हम लोग इसको पानी में डालना है। इसको पीसेस कर दिए हम लोग, ऐसा कट करना है। पूरे हम लोग आलू को ले लेके ऐसी एक ही तरह काट लेने का है, पूरे पीसेस। देखो पूरे स्लाइड ऐसे से हो गए। के बाद हम लोग ये आलू को एक बाउल ले लेना, ले लेके उसमें पानी डाल के एक से दो बार धोना। इसके बाद नमक डाल के 10 मिनट उसको जरी देर रख देना। 10 मिनट के बाद अब देखो ये आलू एक प्लेट में निकाल देंगे हम लोग। अच्छा धो दिए ना, धीरे धीरे प्लेट में उसको सुखा देना, पानी निकाल देना। आलू में ज़रा पानी रहता, पानी निकाल के अच्छा उसको सुखाना। एक बॉल में पानी गरम कर लेने का है। पानी ज़्यादा गरम, उसके बाद आलू के ये उसमें डाल देना है। एक 10 मिनट तक उसको अच्छा पकाना, आलू ज़रा अच्छा पकना है, बॉईल करना है। उसमें हम लोग 2 स्पून विनीगर डाल देंगे। विनीगर डाल दिए ना हम लोग, अब ये आलू गल जाते हैं। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना। एक बार उठा के आलू को चेक करो, वो आलू अब नरम हुए नहीं हुए देख लेने का है, एक बार चेक कर लो। अब वो आलू पक रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। अब ये पक चुके हैं, देखो अब चूल्हा ऑफ कर दिया हम लोग, इसको निकाल देंगे प्लेट में ठंडा होने के बाद से। उसको टॉवल में डाल के आप सुखा सकते हैं, हम लोग प्लेट में सुखा रहे हैं। 10 मिनट हवा में रखना है। कड़े गरम होके उसमें तेल डाल दिए, आलू उसमें डाल देना है, फ्राई करना है। एक बार हिला लो, देखो ये एक को एक लगना नहीं, तो क्रिस्पी है ये, देखो एक एक। फिर डाल देंगे हम ना बज गए सो, फिर उसमें डाल देना है। उसको फ्राई कर लेंगे फिर को। आलू बहुत क्रिस्पी होना है, अच्छा फ्राई करना एक 5 मिनट तक। हो चुके हैं हम लोग, अब इसको निकाल रहे हैं प्लेट में।
अब पूरे ऐसे ही रेडी कर लेना है। फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। देखो थोड़े तो क्रिस्पी है। अब उस पर हमला नमक डाल के खा लेना है। नमक डाल के प्लेट में हमला फिरा लिए। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत साफ है। देखो अब इसमें सॉस डाल के खा ले सकते हैं आप। टमाटो कचक के टमाटा कचक के साथ मेयोनीज भी डाल के खा सकते हैं आप। बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। एक बार ट्राई करो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।